तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। मैं आलोकर, आज मैं आपको बताऊंगा कि हजरत अली कौन थे। जैसे हजरत अली का आज जो है वो बर्थडे है, इसीलिए मैंने आज का ही दिन चुना, जो कि अच्छा होता, बहुत अच्छा होता आप लोगों के लिए, और मैं यही उम्मीद करूँगा अच्छा हो भी आप लोगों के लिए, क्योंकि ये हजरत अली जिनका आज बर्थडे है, तो उनके बारे में आज मैं आपको बताऊँगा कि वो कौन थे। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से इस वीडियो को, तो बताते हैं आपको कि हजरत अली साहब थे कौन। तो हजरत अली कौन थे? तो हजरत अली शिया मुस्लिम समुदाय के पहले इमाम रहे थे। वहीं हजरत अली मोहम्मद पैगंबर के बाद सुन्नी मुसलमानों के चौथे खलीफा भी थे। इनका जन्म मक्का में हुआ था, जी हां, मक्का मदीना वहीं हुआ था इनका जन्म। हजरत अली के बेटे हुसैन ने करबला की लड़ाई में भूखे प्यासे रहकर बताया कि जिहाद किसे कहते हैं। हजरत अली ने अमन और शांति का पैगाम दिया और बता दिया कि इस्लाम अहिंसा के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा था कि इस्लाम इंसानियत का धर्म है। उन्होंने हमेशा राष्ट्र प्रेम और समाज से भेदभाव हटाने की कोशिश की। हजरत अली ने कहा था कि अपने शत्रु से भी प्रेम किया करो, वह एक दिन तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। उनका कहना था कि अत्याचार करने वाला, उसमें सहायता करने वाला और अत्याचार से खुश होने वाला भी अत्याचारी ही है। यदि यही सोच सारे मुसलमान का होता तो आज जो हमारे टेररिस्ट हैं या जो भी मुसलमान जो गंदे हरकतें करते हैं अभी, वो यदि इस सोच को लेकर चलेंगे तो सही में हिंदू मुस्लिम भाई भाई हो सकता है। चलिए बताते हैं कि हजरत अली का एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं कि उनका जो मन था, उनका जो दिल था, वो किस तरीके का था। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से करीब 1360 साल पहले 660 ईस्वी में रमज़ान महीने की 21वीं तारीख को कुफे की मस्जिद में सुबह की नमाज के दौरान हजरत अली की हत्या की गई थी। उसके बावजूद उन्होंने जब, इसका मतलब ये है कि उनकी जो हत्या हुई, वो अपने हत्यारे को जानते थे कि उनका हत्या कौन करने वाला है, और उनको ये भी पता था कि उनका हत्या होने वाला है। उसके बावजूद उन्होंने अपने कातिल को माफ़ करने की बात कही। कहा जाता है कि हजरत अली अपने कातिल को जानते थे, उनके बावजूद भी उन्होंने सुबह की नमाज में, नमाज के लिए उसे उठाया और नमाज में शामिल किया था। आप समझ सकते हैं कि वो किस तरीके के आदमी थे, और उन्होंने कुछ बातें भी कही थी जो अपने जीवन में लागू करना चाहिए। तो सबसे पहला जो है, सोच समझ कर बोले। बोलने से पहले शब्द आपके गुलाम होते हैं, लेकिन बोलने के बाद आप लफ्ज़ों के गुलाम बन जाते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरा, भीख मांगने से बदतर कोई और चीज़ नहीं होती है, चाहे वो आप, मैं पैसों वाली भीख की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ज़िंदगी की भीख की बात कर रहा हूँ। तीसरी बात, अपनी सोच को पानी के बूंदों से भी ज़्यादा साफ रखो, क्योंकि जिस तरह बूंदे से दरिया बनता है, उसी तरह सोच से ईमान बनती है। चौथा बात, चुगली करना उसका काम होता है जो अपने आप को बेहतर बनाने में असमर्थ होते हैं। पांचवी बात, अपनी ज़ुबान की हिफाजत इस तरह करो जिस तरह तुम अपने माल की हिफाजत करते हो। तो इस यही कुछ बातें थी उनके जो उन्होंने कहा था। जाते जाते मैं उनके एक, आपको एक शायरी जो दो पंक्तियां हैं उनकी, उनके साथ छोड़ जाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगला वीडियो आप तक फटाफट से पहुंच सके, और फटाफट से लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि अगला वीडियो भी आप तक पहुँच जाए। तो चलिए आपको उनके दो पंक्तियों के साथ हम छोड़ जाते हैं। ये रही उनकी ये कुछ पंक्तियाँ, ये आप देख लीजिए। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। फटाफट से लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, और हो सके तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, गुड बाय फ्रेंड्स।